फ्रेंड देख सकते हैं रेडमी नोट 9 प्रो है और इसमें एक प्रॉब्लम आया है, कोई भी ऐप वर्क नहीं कर रहा, ओपन नहीं हो पा रहा। किसी भी तरह से आप खोलने जाएंगे नहीं खुलेगा, सेटिंग के अलावा कोई भी ऐप ओपन नहीं हो रहा है। तो इस तरह का भी प्रॉब्लम आ जाता है और यहाँ पे इसमें लिख रहा है अनटिल योर डिवाइस फुल्ली रिबूट और रिस्टार्ट अगेन। तो यानी इस फ़ोन को जो है कैसे ठीक करना है और कैसे अपने ऐप को जो है एनेबल करेंगे और ताकि प्रॉपर तरीके से वर्क हो और किस तरह से इस प्रॉब्लम का सलूशन आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। यदि आपके फ़ोन में इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है जो नोटिफिकेशन शो हो रहा है, किसी भी ऐप को खोलने जा रहे हैं नहीं खुल रहा है, बस सेटिंग के सिवा और कोई भी ऐप नहीं खुला है, तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करके एक बार देख लीजिए। यदि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाता है, आपको लगेगा कि स्टोरेज की वजह से हुआ है, स्टोरेज की वजह से नहीं हुआ है, आपके फ़ोन का जो है सॉफ्टवेयर में कुछ इशू हुआ है और इसकी वजह से अक्सर ये दे जो है प्रॉब्लम अपडेट करते समय होता है, आपका अपडेट प्रॉपर तरीके से फ़ोन नहीं हो पाता था, तो ये इस तरह का ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमने स्टार्ट कर लिया और फिर से रिबूट करके स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी भी नहीं सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पर हमने सेटिंग में पूरा जो है सेटिंग को पूरा सही से करके देख लिया है, तो भी ऐप वर्क नहीं कर रहा है। किसी भी तरह से प्ले स्टोर और व्हाट्सअप कोई भी ऐप वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा सलूशन दूंगा। चैनल नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, क्योंकि आप लोग को यहाँ मोबाइल से रिलेटेड अनलॉकिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है, क्योंकि मैं अपने मेरा टेलीकॉम शॉप जो है दीपक टेलीकॉम दीपक कम्युनिकेशन कोलकाता से हूँ और आप लोग के लिए मोबाइल से रिलेटेड वीडियो। तो यहाँ देख सकते हैं MIUI 14 है और यहाँ पे इसमें ये प्रॉब्लम हुआ, आप इसे रीसेट भी करेंगे तो भी नहीं होगा, कि आप सोचेंगे रीसेट करके प्रॉब्लम का सॉल्व आउट कर लें, नहीं होगा। और आप इसमें ईमेल आईडी भी रिमूव करेंगे तो भी नहीं होगा। आपको क्या करना है, फ़ोन को कैसे इसे प्रॉब्लम को फिक्स करना है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहो। आपको देखिए यहाँ पे मैं फिर से व्हाट्सअप जो है ओपन किया, नहीं हुआ यार, अबाउट में जाके फिर से रिसेट कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, फैक्ट्री रिसेट नहीं होने का नाम ले रहा है। तो आप टेंशन मत ले, आपको ये प्रॉब्लम कोई भी रेडमी के फ़ोन में हो रहा है तो आपको फ़ोन का बैकअप ले लेना है, बैकअप ईजिली हो जाएगा। आप लोग को बैकअप पीसी के थ्रू लेना होगा, तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन को रीबूट करना ही होगा, रीसेट करना होगा और उसके बाद अपने फ़ोन को फॉर्मेट करना होगा। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करेंगे, पावर की और वॉल्यूम अप की एक साथ प्रेस करके रखेंगे, रिकवरी मोड ऑन होगा और यहाँ पर आप लोग को कन्फर्म वाले वाइप डाटा वाले ऑप्शन पर जाकर कन्फर्म कर देना। आपका फ़ोन पूरा तरीके से जैसे जैसे मैंने किया है सेम स्टेप को फॉलो करिएगा, आपका फ़ोन प्रॉपरली फॉर्मेट हो जाएगा। और जैसे फ़ोन फॉर्मेट होगा आपका रीबूट होगा, स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। और आपके फ़ोन में यदि ईमेल आईडी गूगल अकाउंट लॉक हो गया, आप ईमेल आईडी भूल गए थे, पासवर्ड क्या था, तो उसके लिए मैंने जो है अलग से वीडियो बनाया, उसे भी देख लीजिएगा। MIUI 14 में जो है फर्पी लॉक गूगल अकाउंट लॉक कैसे रिमूव किया जाता है। चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और मेरा एक यूट्यूब पे और चैनल है सेकेंड लग, उसे भी जाके सपोर्ट करो। तो आप लोग कितना सपोर्ट दे रहे हो, 30K सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, 30,000, और आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहोगे तो 1K भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 100K सब्सक्राइबर, 1K तो कब के हो गए। तो इस तरह से आप लोग सपोर्ट करते हो, क्योंकि अभी मैं वीडियो देख के ही बना रहा हूँ और यहाँ पर देख सकते हो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया रीसेट होने के बाद। अब बैकअप लेकर कर दीजिएगा, आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ लाइक करना। रेडमी नोट 9 प्रो था, डिवाइस अनटिल हैज बीन